एक और बड़ी खबर जो यहाँ से निकलकर सामने आई कमांडर लेवल की मीटिंग से, वो ये कि भारत चीन के बीच आगे भी बातचीत जारी रहेगी। यानी ये जो छठे दौर की बातचीत थी, इसके बाद सातवें दौर की बातचीत भी होगी। बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, भारत चीन के बीच सातवें दौर की बैठक भी होगी, ये बताया जा रहा है। और कमांडर मीटिंग में आगे की बातचीत पर भी चर्चा हुई है। यानी ये जो मीटिंग हुई थी, इसमें आगे किस तरह से बातचीत को बढ़ाना है, उस पर भी चर्चा की गई है। हालात सामान्य करने को लेकर बातचीत जारी रहेगी, यानी डी एस्केलेशन को लेकर ये जो बातचीत है वो जारी रहेगी। हमारे साथ सुरेश कुमार गोयल जी मौजूद है। सुरेश कुमार गोयल जी, ये जो मीटिंग है, उससे जो अहम बात निकलकर सामने आई है वो ये कि अब और सैनिकों को नहीं भेजा जाएगा और तनाव को कम किया जाएगा। जी, बेसिकली देखिए ऐसा है कि जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, जो दोनों तरफ की फौजें हैं उनकी कोशिश यही रहेगी कि जो उन्होंने पोजीशंस गेन कर ली हैं उनको अपने हाथ से नहीं जाने दें। तो भारत की सेना जो ब्लैक टॉपर वहाँ पर रहेगी, चीन की सेना गलवान घाटी में रहेगी। मैं जहाँ तक मेरे को समझ में आता है कि अगर चीन की सेना वहाँ पर रहेंगी, हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि चीन की सेना पर नज़र रखी जाए कि जो उन्होंने एग्रीमेंट किया है कि वो और सेना नहीं भेजेंगे। कोई भरोसा नहीं है चीन उसको वायलेट करेगा नहीं करेगा। तो पूरी सर्दी में हमको निगाह सर्वेलेंस रखनी है कि चीन समझौते का पालन करे। अगर समझौते का पालन होता है तो अब मैं समझता हूँ कि दोनों देशों के लिए अच्छा रहेगा ये। जी जी, तो ये पहला कदम होगा, हमें नजर रखनी होगी कि चीन अगर जो कहा है उस पर अमल करता है तो पहला कदम होगा विश्वास को बढ़ाने को लेकर, तभी विश्वास आगे और बढ़ सकता है। क्योंकि चीन की हरकतों को अभी तक देख के तो यही रहा है कि चीन जो कहता है वो करता नहीं है, वो उससे उलट काम करता है। और इस वजह से चीन पर नजर रखने की जरूरत है पूरी तरह से कि वो और आगे ना बढ़ाए। हमारे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी भी मौजूद है। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, ये जो अभी सफलता मिली है ये भारत के पक्ष में है, आपको क्या लगता है? हाँ बिल्कुल, ये भारत के पक्ष में है और भारत की मैं इसे जीत मानता हूँ, क्योंकि जिस तरह के स्टेटमेंट अभी शी जिनपिंग ने दिए हैं, ऐसे कभी स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से कभी नहीं आए थे। यूएन में जिस तरह से उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि चाइना न वॉर चाहता है, न किसी तरह का कोई इस तरह का जो टेंशन है वो चाहता है, तो ये निश्चित रूप से भारत की विजय है। और जिस तरह की मस्कुलर नेशनलिज्म भारत ने दिखाई है ये उसका नतीजा है, क्योंकि चीन को बखूबी इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि भारत में कितनी कुव्वत है, भारत में कितनी ताकत है और भारत में किस तरह का जज्बा है। क्योंकि ताकत ही एक बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होता, जो नेशनल जज्बा है, जो जोश है, जो 140 करोड़ लोगों का जो जज्बा है, जुनून है, उससे चीन को काफी ये सीख मिली है। और मुझे नहीं लगता कि वो कोई इस तरह की एक्टिविटी करेगा, लेकिन हाँ हमें चौकन्ना रहने की जरूरत है। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,